हाई गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नाचोबडी हेट में मैं सीमा आज मैं आप लोग सबसे शेयर करने वाली हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो कि मैं विंटर में लेती हूँ और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है अगर आप इस ब्रेकफास्ट को लेना स्टार्ट कर देते हो तो आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं साथ में आपको हेयर जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हो वो करना है और ये ब्रेकफास्ट करना है तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाना है उसके बाद से मैं मिलती हूँ ठीक है सो गईस चलिए हम बना लेते हैं अपना है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तो ये ब्रेकफास्ट मैं मॉर्निंग में लेती हूँ विंटर के टाइम में विंटर के टाइम में आप इसको लीजिए स्टार्ट कीजिए बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट जो भी मैंने यूज़ किया है वो यहाँ पर लिख दिया है आप लोग सारी चीज़ें देख करके बना लीजिएगा और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत जल्दी प्रमोट करता है दूसरी चीज़ यहाँ पर आपकी हेल्थ को भी बहुत अच्छा रहता है रखता है आप इसके साथ में अचार के साथ में चाय के साथ में दूध के साथ में आप इसको बटर के साथ में किसी भी चीज़ के साथ में आप इसको खाओगे दही के साथ में खाओगे तो ये आपके लिए सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट है मॉर्निंग का अगर आप इसको लेते हो आप साथ में ये चीज़ करिए साथ में आप मेरी जो हेयर केयर रूटीन है वो फॉलो कीजिए मैं आप लोग के साथ में हमेशा कोशिश करूँगी आफ्टर दिवाली कि हर रोज़ आपको एक नया ब्रेकफास्ट शेयर करूँ और चाहे वो छोटी सी क्लिप हो चाहे वो पाँच मिनट की हो चाहे वो दस मिनट की क्लिप हो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी ठीक है अगर मैं प्रॉपर चीज़ नहीं शो कर पाऊंगी खाना कैसे है क्या करना है तो खाने का तो देखो सबको पता होता है बनाने का तरीका पता होना चाहिए बस तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ उसके बाद से ये हमारा जो मसाले हैं वो सारे क्रश हो चुके हैं रेडी हो चुके हैं तो अब हम इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है हमें जो ये पराठे बनाने हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे हमारा पेट अच्छा रहे हमारी बिल्कुल बॉडी बिल्कुल फिट रहे जिससे कि आप हेयर केयर स्किन केयर की कोई भी होम रेमेडी यूज़ करो तो उसका जो रिज़ल्ट है जो उसका असर है बहुत जल्दी आपके चेहरे पर आपकी बॉडी पर शो हो है ना तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ में डाइट भी लेकर के आ गई हूँ जहाँ मैं रह रही हूँ अभी वहाँ पर भी मैंने ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया है यहाँ पर आती हैं आंटी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी जो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है वो भी और रिज़ल्ट भी ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाल दिया है एक कप आपका बेसन ठीक है ये बेसन आप लोग जरूर लीजिएगा ये घर का बेसन है उसके पास हम यहाँ पर जितना बेसन लिया है एक कटोरी के करीब उतना ही हम यहाँ पर डालेंगे चावल का आटा है ना जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो वो चीज़ें आपको डालनी है सारी चीज़ें कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा अगर आप स्किप करोगे तो आपको इतने अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे ठीक है मैं आप लोग के साथ में एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ एक्सपीरियंस जो मैंने चीज़ें करी हैं जो उससे मुझे रिजल्ट्स मिले हैं मेरे को जो भी चीज़ें मिलती हैं मैं आप लोगों के साथ में चाहती हूँ शेयर करूँ बट थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कृष्णा छोटा है तो हो नहीं पाती हैं चीज़ें तो मैं आप लोग के साथ में यही चीज़ें हमेशा बोलती हूँ कि कृष्णा छोटा है तो जाहिर सी बात है यार छोटा है प्रॉब्लम क्रिएट होती है मॉर्निंग में इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक कप के करीब डाला है एक कटोरी एक कप के करीब गेहूं का आटा और गेहूं का आटा भी आप अच्छा सा लीजिएगा जो शक्ति भोग का आता है जो भी आपके घर में हो घर का हो तो बहुत अच्छी बात है बट ये मेरा मार्केट का है शक्ति भोग का है मैंने वही यूज़ किया है बेसन आप कोई भी ले सकते हो घर का है तो बहुत अच्छी बात है इसके बाद से मैंने यहाँ पर थोड़े से ग्रीन कोरिएंडर लिए हैं ग्रीन कोरिएंडर ज़रूर ऐड कीजिएगा ये आपके बुध ग्रह को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कहते हैं कि अगर आपका बुद्ध ग्रह बहुत अच्छा है तो आपके हेयर स्किन और आपके बाल और आपके नाखून बहुत अच्छे रहते हैं मैं आप लोग किसे बोल रही थी ना कि मैं अपने नेल की ग्रोथ कर रही हूँ दिवाली के लिए तो मेरे नेल की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी हो चुकी है मैं आप लोग के साथ में नेल एक्सटेंशन की वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ बहुत अच्छा नेल आप एक्सटेंशन कर सकते हो घर पे अपने नेल के साथ में आप एसेसरीज़ वगैरह लगाकर घर पे ही नेल आर्ट बना सकते हो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं शेयर ज़रूर करूंगी और अभी बहुत बहुत, बहुत ही प्यारा सा व्लॉग आने वाला है मैंने क्या क्या चीज़ें शॉपिंग करी हैं क्या क्या चीज़ें ली हैं वो सारा कुछ आने वाला है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ब्लॉग चैनल को मेरे चेकआउट कीजिएगा सीमा ब्लॉग को तो आप लोग को वहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज आप लोग सीमा ब्लॉग चैनल चैनल है मेरा उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए मुझे आप लोग इंस्टा पे फेसबुक पे ट्विटर पे हर जगह मुझे फॉलो कर सकते हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो डाइट मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ ये मैं खुद पर्सनली रहती हूँ इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और ये डाइट लेने के बाद से आपको मॉर्निंग में ये ब्रेकफास्ट करने के बाद से आपको क्या करना होता है दोपहर तो में आप एक कप छाछ ले लो अब बोलोगे बहुत सारे लोग कि छाछ ठंड में तो हाँ जी छाछ छंडी में ले सकते हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है या फिर मैंने आप लोग के साथ में एक अपना ड्रिंक शेयर किया था आलमंड वाला वो आप ले सकते हो एक घंटे बाद पहले तो आप ये जो आपका ब्रेकफास्ट है पराठे आप इसको चाय के साथ अचार के साथ बटर के साथ मक्खन के साथ में किसी के साथ में भी आप इसको खा सकते हो ब्रेड आ, अगर आप ब्रेड जैम लेते हो ब्रेड पीनट बटर लेते हो वो भी ले सकते हो बट ये ज़्यादा अच्छा रहता है मस्त है ठीक है उसके बाद से हम यहाँ पर डालेंगे अपना ग्रीन वाला जो फैन्यूग्रीक मार मार्केट में आता है ना फैन्यूग्रीक की ये लीव्स हैं मेथी जिसे बोलते हैं हम तो ये मेथी है हमारा तो अभी मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही अच्छे 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 स्प्राउट्स भी शेयर करूंगी जो कि आप लोगों के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है अब हमने ऊपर से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ लो में शेयर करी हुई हैं हेयर ट्रीटमेंट स्किन ट्रीटमेंट भी और अब हम इंटरनल भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे जिससे आपकी एक प्रॉपर डाइट हो प्रॉपर हेल्थ हो प्रॉपर आपके हेयर केयर हो प्रॉपर आपका स्किन केयर हो गई सच में आप पार्लर में जाओगे पंद्रह सौ हज़ार देकर के आओगे और आप आ, वहाँ पर पार्लर में हर एक चीज़ करा कर आते हो हेयर स्पा कराते हो दो हज़ार ढाई हज़ार देकर आते हो बट अगर आप दो हज़ार ढाई हजार का अपना हेयर केयर का सामान मंगा लेते हो ना तो वो दो हज़ार ढाई हज़ार का सामान आपका तीन महीने आराम से चल जाता है कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक है उसके बाद से आप ये डाइट लेना स्टार्ट कीजिए ये डाइट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप इसको घर पे बनाइए अपने भी खाइए सबको दीजिए सारे लोग खुश हो जाएंगे जिनकी शादी हुई है वो भी ये पराठे बनाकर अपने इन लॉज को खिलाएं बहुत अच्छा लगेगा उनको भी और उनको नई नई चीज़ें नई नई वैराइटियाँ मिलेंगी मैं आप लोग के साथ में बहुत सारे पराठों की रेसिपी शेयर करूँगी मेरे पास पराठों की रेसिपी इतनी सारी है कि मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपना कुकिंग चैनल भी स्टार्ट कीजिए तो कुकिंग चैनल तो अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि कृष्णा छोटा है और मेरे पास ऑलरेडी दो दो चैनल हैं तो हर एक चीज़ को मैनेज करना होता है इतने टाइम से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट करी हुई है और अब उन्होंने कहना भी छोड़ दिया है क्योंकि रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो पाती हैं तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए मुझे सब पता है किसको क्या चीज़ें चाहिए मैं शेयर करूंगी अब यहाँ पर मैंने मेथी को क्रश कर लिया है ग्रीन वाली और उसके बाद से अच्छे से इसको चॉप करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ठीक है पानी से अच्छे से धोकर इसको रात में रख दीजिए उसके बाद आप इसको निकाल करके आप इसमें क्रश कर लीजिए चॉप कर लीजिए अच्छी तरीके से हो जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती ये साढ़े तीन सौ रुपए का आता है आपका आप इसमें हर एक चीज़ बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बहुत अच्छी ईजी तरीके से ये अच्छी तरीके से इसमें आप क्रश कर सकते हो हर एक चीज़ उसके बाद से हम यहाँ पर व्हाइट नमक डाल देंगे सफ़ेद वाला जो नमक होता है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग और आपको जो जो चीज़ इसमें ऐड करनी है आप ऐड कर लीजिएगा जो मैंने पहले आप लोग को बताया जब मैंने मसाले रेडी किए थे वो सारी चीज़ें आप ऐड करिएगा तो के बाद आपको ये पराठा जो है ना बहुत टेस्टी लगेगा बहुत मस्त लगेगा खाने में और अच्छी तरीके से इनको सबको मिला लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर देसी घी या फिर कोई भी तेल आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाल सकते हो जो आपको अच्छा लगे अगर आपको वेट गेन करना है तो आप यहाँ पर देसी घी डालिएगा और अगर आपको वेट कम करना है तो आप यहाँ पर नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाल दीजिएगा जो मूंगफली का तेल हो गया सोयाबीन का तेल हो गया कोई भी तेल डाल दीजिएगा ठीक है और अच्छी तरीके से हम इसको एक डो रेडी करेंगे ना तो ज़्यादा टाइट करना है ना ही तो ज़्यादा आपको ढीला करना है तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अपना तेल थोड़ा सा तो जो मेरा तेल का डब्बा है इसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा क्योंकि ये मैं गैस पर रख दिया था घी था तो मैं बहुत जल्दी में थी मॉर्निंग में तो गैस के ऊपर रख दिया था तो ये थोड़ा सा जल गया है मतलब जल नहीं गया है काला काला सा हो गया

ठीक है तो यहाँ पर हम पानी डालेंगे पानी डालकर अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम अच्छे से डो रेडी कर लेंगे आपको ज़्यादा टाइट और ज़्यादा ढीला नहीं करना है इससे आपका जो पराठा है बहुत क्रंची क्रिस्पी सा बनेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो आप यहाँ पर पानी धीरे धीरे डाल करके इसका डो रेडी करिएगा गई सच में एक महीने आप ये डाइट लो एक महीने आप मेरी हेयर केयर जो ट्रीटमेंट में आप लोग के साथ में सीरीज जो मेरी चल रही है वो फॉलो करो या कोई भी एक हेयर पैक हेयर टॉनिक हेयर रिंस वाटर हेयर ऑयल हेयर टोनर कोई भी एक उठा लो उसको करो ये जो इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ की हैं सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है आप लोग यहाँ पर पढ़ करके सारी चीज़ें नोट करके इसको बनाइएगा और आप लोग इसको लिख करके अपने आ, डायरी में भी रख सकते हो जैसे आपको बनाना हो तो आप इंस्टेंटली हर एक चीज़ बना सकते हो हर एक चीज़ को ट्राई कर सकते हो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एक महीने करके देखो आप लोग खुद खुश हो जाओगे कि दीदी सच में डाइट बहुत अच्छी है क्योंकि मेरे जितने भी मेंबर्स हैं सब लोगों को मैंने डाइट्स भी दी हैं तो अगर आप मेंबरशिप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो मेंबर्स को रिजल्ट्स इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को करते हैं क्योंकि देखो मेंबर वही आएंगे जिनकी समस्या ज़्यादा है जिनको समस्या बहुत थोड़ी सी है नॉर्मल है जो चीज़ें हल्के में लेते हैं उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं वो मज़े मज़े में करते हैं तो उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा है वही मेंबरशिप लेते हैं तो उनको डाइट दी जाती है हेयर ट्रीटमेंट दी जाती है पंद्रह दिन का करने के बाद पंद्रह दिन का फिर वो शेयर करते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं बस यही चीज़ें हैं तो यहाँ पर हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है तो आप लोग इस पराठे को बनाना और मेरे साथ में फीडबैक शेयर करना तो चलिए फेस टू फेस थोड़ी सी बातें कर लेते हैं उसके बाद से वीडियो को ख़त्म करते हैं देखा आपने जो हमने डो रेडी किया है इसको आपको रेडी करके 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और 20 मिनट में मैं पूजा कर लेती हूँ उसके बाद इसको बना लीजिएगा आप तो चलिए आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी 20 मिनट रेस्ट करने दीजिएगा डो को अपने और डो को 20 मिनट बाद आप इसको बनाइएगा आप इसको दही के साथ अचार के साथ पराठे के पराठे को किसी चीज के साथ भी आप खा सकते हो बहुत टेस्टी बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्रेकफास्ट के साथ में कल ठीक है तो बाय फ्रेंड्स लव यू टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा